हेलो एवरीबॉडी, आई होप आपने इसका पहला पार्ट, मेरी वीडियोस ऑन प्रेजेंटेशन के बारे में आपने एक पहला पार्ट ऑलरेडी देख लिया होगा एंड यू आर हियर सर्चिंग फॉर द नेक्स्ट पार्ट। तो हम बात करने वाले हैं प्रेजेंटेशन के बारे में, प्रेजेंटेशन के टिप्स के बारे में, क्या क्या असेंशियल टिप्स बेसिकली एक अच्छे प्रेजेंटेशन में इन्वॉल्व होनी चाहिए एंड हाउ इज इट डिफरेंट कि एक सेल्स की प्रेजेंटेशन थोड़ी अलग होती है, एक एजुकेशन की प्रेजेंटेशन थोड़ी अलग होती है। हम यहाँ पर इन सारी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो स्टे ट्यून्ड विद मी टिल द टाइम वी डिस्कस अबाउट प्रेजेंटेशंस। और अपार्ट फ्रॉम प्रेजेंटेशंस, मैंने यहाँ पर आपको 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो एचआर आपसे यूजुअली पूछता है एक इंटरव्यू में। प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो। उसके अलावा हाउ डू यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, मैंने एक वीडियो दिया हुआ है, तो प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो। आई एम श्योर दोज वीडियोज आर लॉन्ग, बट आई कैन टेल यू दैट दोज वीडियोज आर वेरी प्रोडक्टिव। ओके, इसके अलावा हम बॉडी लैंग्वेज पे बात कर चुके हैं, सो हाउ टू कैच अ लायर एंड आर यू लाइंग और नॉट, इज योर बॉयफ्रेंड लाइंग और नॉट, ये सारी बातें हम यहाँ पर कर चुके हैं। सो मेक श्योर दैट यू गो थ्रू दोज वीडियोज। एंड कमिंग टू द पार्ट टू ऑफ प्रेजेंटेशंस, हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो बेसिकली मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्रेजेंटेशन तीन इंपॉर्टेंट पैकेजेस से बना होता है। तो प्रेजेंटेशन का सबसे इंपॉर्टेंट या पहला पार्ट आप कह लीजिए, तीनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं, बट सबसे पहला दैट कम्स टू वर्बल। ठीक है, वर्बल पार्ट वो होता है दैट यू से ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। जो मैं आपको यहाँ पर समझाने के लिए यूज करती हूँ वो चीजें, एक किस तरीके से वो कैलकुलेट होती हैं, किस तरीके से मैं आपको समझा पाती हूँ, किस तरीके से मैं आपको कन्विंस कर पाती हूँ, सारी बातें यहाँ पर वर्बल एक्शन के थ्रू आपके पास आएंगी। और सिर्फ एक्शंस नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि ये चीज मैं एक इमोशन के साथ डिलीवर करूं, एक इम्पैक्ट के साथ डिलीवर करूं कि ये बातें आपके दिमाग में बैठे रहें। ठीक, नेक्स्ट जाता है विजुअल। तो सेकंड इज विजुअल, जो चीजें आप देख रहे हैं, तो आप जो भी मेरी स्लाइड पे देख रहे हैं वो ऑब्वियसली मेरे टॉपिक से रेलेवेंट होगी और वही चीज मेरा विजुअल होगा। ये विजुअल, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कैट की बात कर रही हूँ तो कैट का विजुअल होना चाहिए, ना कि एक डॉग का। ठीक है ना, तो ये विजुअल वो है। और ये कैट भी इतनी इंप्रेसिव होनी चाहिए कि आप जैसे ही उस कैट को देखें आप एकदम मेस्मराइज हो जाएं कि कितनी सुंदर कैट है ये। ठीक, उसके बाद थर्ड आ जाता है रिटन। कई बार हम एक रिटन कंटेंट जो होता है वो लोगों को प्रोवाइड करते हैं रिगार्डिंग रिगार्डिंग टू द प्रेजेंटेशन दैट वी आर गिविंग। ये यूजुअली जैसे साइकोलॉजिकल या फिर एजुकेशनल प्रेजेंटेशंस में ज्यादा देखा जाता है। तो अगर जैसे आपसे बोला गया कि कोई आपको एक साइकोलॉजी टेस्ट देना है, तो मैंने आप सबको एक पेपर दिया और मैंने आपसे कहा कि आप कोई एक पर्टिकुलर चीज ड्रॉ करें या कोई एक्सरसाइज करें और फिर उसके बाद हम उस चीज के रिजल्ट यहाँ देखेंगे। सो दैट इज अ रिटन। ठीक, तो व्हाट एवर दे कैन रीड लेटर आफ्टर द प्रेजेंटेशन भी इस चीज के अंदर इंक्लूड होता है। मैंने कोई प्रेजेंटेशन यहाँ पर आपको दे दी है, दैट इज दैट दैट टुक ऑलमोस्ट 15 या 20 या 30 मिनट्स फॉर मी टू डिलीवर इट। बट इसके अलावा आपके पास कम से कम जो आपको मैंने बुकलेट प्रोवाइड करी है उससे आप कम से कम नहीं तो आपके आगे के नॉलेज एनहैंसमेंट के लिए वो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। वो किसी की स्टडी हो सकती है, कोई थीसिस हो सकता है जो उसने आपको दिया हो, या उसके पार्ट का रिसर्च हो सकता है। ठीक, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है प्रेजेंटेशन के लिए। पैकेज प्रेजेंटेशन वही होती है जिसमें एक अच्छा रिटन, एक अच्छा विजुअल और एक अच्छा रिटन मैटर होता है। ठीक है, हम यहाँ पर बहुत सारी साइकोलॉजिकल एक्सरसाइजेस भी करने वाले हैं, सो मेक श्योर दैट यू यू नो सब्सक्राइब द चैनल, स्टे विद मी, ताकि मैं आपको साइकोलॉजी रीड करना लोगों की बता सकूं। ओके, नेक्स्ट आ जाता है माय टिप्स फॉर प्रेजेंटेशन। अब ये टिप्स ऑफ प्रेजेंटेशन क्या हैं और कैसे इन टिप्स को आपको फॉलो करना है। सबसे पहला, क्रिएट एन इजी टू फॉलो स्ट्रक्चर। When it comes to what you have to say, break down this into three simple actions. भाई सबसे पहले अगर आपको किसी ने प्रेजेंटेशन के बारे में बोला है तो आपको क्या करना है? ठीक है, आप क्या सोचते हैं जब आपको मैंने ये कहा कि आप इस टॉपिक पे पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन बनाना है, देन व्हाट इज योर फर्स्ट थॉट? सीधे लैपटॉप खोला और प्रेजेंटेशन ढूंढना शुरू कर दिया? नो, दैट इज अ वेरी रॉन्ग प्रोसेस। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस क्या है, आप एक पेपर लें, अपना पेन उठाएं और आप ना एक डायग्राम बनाएं। क्या डायग्राम होगा? बीच में आपका प्रेजेंटेशन का टॉपिक होगा। ठीक
फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं प्रेजेंटेशन बना रही हूँ हाथी पे, तो मैं एक हाथी लिखूंगी बीच में, और उसके साइज में मैं बहुत सारे, मैं हाथी के साइज के बारे में बात करनी हूँ, मैं बात करने वाली हूँ कि हाथी क्या खाता है, हाथी क्या पीता है, हाथी के बच्चे कैसे होते हैं. तो मैं ये सभी चीजों को जब मैं एक आउटलाइन अपने कॉपी में बना लूंगी पहले, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि मुझे अपनी प्रेजेंटेशन किस तरीके से डिलीवर करनी, ठीक है ना. तो प्लीज मेक श्योर बिफोर यू स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन, आपके पास एक एक इजी फॉलो अप कोई चीज हो, इजी आपने कुछ चीज को एक पेन कॉपी में लिखा हुआ हो, ताकि जब आप उस चीज को करने की कोशिश करें, या आप एक इंट्रोडक्शन बनाने की कोशिश करें अपने प्रेजेंटेशन का, या एविडेंस बनाने की कोशिश करें, या फिर कंक्लूजन बनाने की कोशिश करें, ये सारी चीजें आपके पास एक फॉर्मेट में हो. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट जिसकी हम यहाँ बात करने वाले हैं वो है कंपेलिंग इंट्रोडक्शन. योर इंट्रोडक्शन नीड्स टू बी ब्रीफली सम अप एंड यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट वॉट यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट वाई इज इट यूजफुल और रेलिवेंट टू योर ऑडियंस. इंट्रोडक्शन पार्ट जो होता है ना एक प्रेजेंटेशन का, या एक एसे का, किसी भी चीज का जो इंट्रोडक्शन होता है ना, उसी से ये पता चलता है कि आप मेरी आगे की बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे. ठीक है, आपका अगर इंट्रोडक्शन ही इतना इम्पैक्टफुल नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली आप कभी भी बॉडी और एविडेंस पे जाने की कोशिश भी नहीं करेंगे. ठीक है, सो मेक श्योर कि योर इंट्रोडक्शन इज वेरी स्ट्रांग, आपका इंट्रोडक्शन एक बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट बना रहा हो, और ये कह रहा हो कि भाई इसके बाद जो आने वाला है ना, ये बहुत ही कुछ लर्निंग वाला होने वाला है. ओके, फिर आ जाता है ऑफर. नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है मेरा, ऑफर अ बॉडी ऑफ एविडेंस. तो द बॉडी ऑफ योर प्रेजेंटेशन इज वेयर यूल हिट देम अप विद द फैक्ट्स, कोट्स एंड एविडेंस टू बैक देम अप विद द मेन पॉइंट्स. अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की. यहाँ हम फैक्ट्स बताने वाले हैं, कुछ स्टैटिस्टिक्स देने वाले हैं, कुछ कोट्स बताने वाले हैं. यानी बॉडी ऑफ द लेटर इज लाइक द बैकबोन. ठीक है, यू हैव द फेस, द इंट्रोडक्शन, नेक्स्ट इज योर बॉडी. तो बॉडी शुड बी द बैकबोन, ठीक है ना. तो बैकबोन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप जैसे ही चलो और आप जैसे ही मुस्कुराओ, तो ऑटोमेटिकली सब आपको पलट के देखेंगे. ठीक है ना, तो मेक श्योर कि आपका जो ऑफर है, जो आप यहाँ पर अपनी बॉडी में लिखने वाले हैं, ये इतना अच्छा हो कि ऑटोमेटिकली किसी भी रीडर का इंटरेस्ट इसमें आ जाए. यानी आपकी प्रेजेंटेशन की बॉडी इतनी अच्छी हो कि कोई भी बंदा जो है वो शायद रुक के सुनना पसंद करेगा. और इस सब के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी डिलीवरी कैसी है, आप अपने प्रेजेंटेशन को किस तरीके से डिलीवर कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा जरूरी है. अगर मेरा कंटेंट अच्छा है और अगर मैं उसे डिलीवर नहीं कर पा रही हूं, तो इट्स लाइक यू नो, आई हैव अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर विद मी, बट आई डोंट हैव अ माउथ टू ड्रिंक. ओके, आई हैव अ बोल ऑफ नूडल्स विद मी, बट आई डोंट हैव अ स्पून टू ईट इट. ठीक है, तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपनी स्किल्स को या अपनी कोई भी चीज को अच्छे से प्रेजेंट कर पाएं, और ये इसीलिए तभी पॉसिबल होगा जब आप ये चीज अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे, जब आपकी स्पीकिंग स्किल्स इतने अच्छे होंगे, जब आपके पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स इतने अच्छे होंगे कि जब आप जहां खड़े होंगे, जब प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे, और इस तरीके से प्रेजेंटेशन इस कॉन्फिडेंस से दे रहे होंगे कि एवरीबॉडी वुड टेंड टू लिसन टू. ओके, सो मेक श्योर दैट यू नो स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन विद गुड जोक्स, या फिर अ गुड स्टोरी. बेस्ट इज स्टोरी एंड वीडियो, व्हाट आई ऑनेस्टली प्रेफर, कि एक अच्छी वीडियो से मैं शुरू करूं, ताकि वो एक इम्पैक्ट बना दे कि हाँ, ये इंसान इस बारे में बात करने वाला है. दूसरा, एक स्टोरी, मैं बहुत अच्छी एक स्टोरी नरेट कर दूंगी आपको, ताकि वो स्टोरी जो है वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक इम्पैक्ट बना दे. ओके, नेक्स्ट हो जाता है सम अप विद द की टेक अवेज. अब आपने लास्ट में इस तरीके से कंक्लूड करना है कि वो जो पूरा इम्पैक्ट है ना, वो इतना ज्यादा पावरफुल हो कि ऑटोमेटिकली जो आपका कंक्लूजन हो, उससे सामने वाले को धक्का लगे. ठीक है ना, सो नेक्स्ट हो जाता है, यानी कंक्लूजन मेरे हो गए पैर यहाँ पर. ठीक है, मेरा मुंह इतना इंपॉर्टेंट है, मेरा बैकबोन इतना इंपॉर्टेंट है, मेरे पैर भी उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो समिंग अप विद द की टेकअवेज, द कंक्लूजन इज वेयर यू लूप बैक टू योर ओरिजिनल स्टेटमेंट्स एंड गिव द ऑडियंस सम की टेकअवेज एंड हाउ दे कैन पुट इट इनटू प्रैक्टिस व्हाट दे हैव लर्न्ड. आप इन चीजों, आप कंक्लूजन में क्या क्या चीजें लिखेंगे कि आप क्या क्या चीजें प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्या क्या चीजें आपने इससे सीखी हैं,
और फॉर एग्जाम्पल अगर एक प्रेजेंटेशन है तो आप यहाँ पर कंक्लूजन में लिख सकते हैं, जैसे अगर सेल्स की प्रेजेंटेशन है तो आप लिख सकते हैं कि अगर हम इस पर्टिकुलर फॉर्मेट को फॉलो करते हैं तो हमारी कंपनी को इतना इतना बेनिफिट हो सकता है। सो आपने बेनिफिट एनालिसिस कर लिया। अगर हमने ये बताया कि शेयर मार्केट में भी हमारी कंपनी जो है इस तरीके से डील कर रही है, और अगर मैंने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करा तो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से मार्केट में धमाका हो जाएगा और मार्केट में कम से कम हमारी सेल्स या हमारा प्रॉफिट इस तरीके से इंक्रीज करेगा। ठीक है, कोई ऑफर है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वन ऑन वन ऑफर स्टार्ट करते हैं हम, और वन ऑन वन ऑफर की वजह से हमारे हमारे प्रोडक्ट को ये बेनिफिट होगा। ठीक है, तो कंक्लूजन में वो चीजें आएंगी जो थोड़ी बेनिफिशियरी होंगी, क्या चीजें जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इस तरीके से हम अपने प्रेजेंटेशन को कंक्लूड करेंगे। सो मेक श्योर दैट यू गो थ्रू ऑल माई वीडियोज एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट मोर टिप्स एंड ट्रिक्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर अ गुड प्रेजेंटेशन। स्टे ट्यून्ड विद मी एंड प्रॉमिस मी दैट यू गोना स्टे विद मी एंड वी विल डिस्कस मोर टिप्स एंड ट्रिक्स दैट आर रिक्वायर्ड इन अ प्रेजेंटेशन। लव यू गाइस, सी यू सून।